कुर्बानी के हवाले से आजकल जो एक फितना फैलाया जा रहा है और मुसलमानों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, उनमें से एक शक तो यह है कि कुर्बानी उन हुज्जाज के जिम्मे है जो वहां हज करने के लिए गए हुए हैं और वो मक्के के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं, बाकी जो लोग मक्के से दूर हैं और हज के अलावा हैं उनको कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, उन पे कुर्बानी लाजिम नहीं। ये एक बहुत बड़ा फितना है। दूसरी बात ये गर्दिश कर रही है, उम्मत का बज़ाहिर दुख दिल में रख के बात की जाती है कि इस मर्तबा कुर्बानी के पैसे गरीबों को दिए जाएं, नादारों को दिए जाएं, बेवाओं को दिए जाएं, यतीमों को दिए जाएं, फलाही काम के अंदर लगाए जाएं, एनजीओज के हवाले किए जाएं, गवर्नमेंट को दिए जाएं और इस तरीके से खैराती और फलाही कामों के अंदर लगाए जाएं, सारे मुल्क के अंदर खून बहाना, लाखों करोड़ों जानवर जबा करना, ये पैसे का जिया है। याद रखिए, ये इस्लामी तालीमात के साथ एक घनौना मजाक है, शरीयत के मिजाज को खिलाफ बात है। 1400 साल की उम्मत मुस्लिमा का जो अमल है, जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया था, ए इब्राहिम आपने अपने बेटे को ज़बह करके अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम आपके सुन्नत को कयामत तक के लिए जिंदा रखेंगे, इसलिए ये सुन्नत इब्राहिम भी है और ये सुन्नत हबीब भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक मदीना तय्यबा के अंदर रहे, एक साल भी ऐसा नहीं आया कि आपने कुर्बानी ना फरमाई हो। अकाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन बिल मदीनति युज़ाही, कि आप मदीने पाक में 10 साल तक क़याम पज़ीर रहे हिजरत करने के बाद, और आप मुसलसल कुर्बानी करते रहे, कभी आपने नागा नहीं फरमाया। तो आप अली सलाम का ये कुर्बानी करना ये बगैर हज के था, हज के लिए तो आप आखिरी हज के लिए तशरीफ ले गए, उससे पहले जो आप कुर्बानी करते रहे, तो लोगों को ये कहना कि कुर्बानी हज के साथ खास है, ये बहुत बड़ा मुगालता है। आप अली सलाम ने तो हज नहीं फरमाया बल्कि 10 साल मुसलसल कुर्बानियां दी। और इसी तरह आप अली सलाम ने जो आखिरी हज फरमाया उस मौके पर 100 ऊंटों की कुर्बानी दी, 63 ऊंट अपने हाथ मुबारक से ज़बह फरमाए, बाकी ऊंट सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले किए और फरमाया आप इनको मेरी तरफ से ज़बह कर दें। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो आज उम्मत के गम के अंदर मरे जा रहे हैं कि कुर्बानी को छोड़ दिया जाए और उनकी रकम को गुरबा में तकसीम कर दिया जाए। मैं कहता हूँ ये फार्मूला क्या नबी रहमत को उस वक्त समझ नहीं आया? आज जो गुर्बत और अफलास और महंगाई है, क्या रसूलुल्लाह के जमाने में वो गुर्बत और फाका इससे कहीं ज्यादा नहीं था? इसके बावजूद सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को तरजीह दी और आपने कुर्बानी की, और 1400 साल से उम्मत का यही अमल है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा पढ़े लिखे दानिशवरान कौम से कि उम्मत को खामखा मुगालते के अंदर न डाला जाए, शक और शुबों के अंदर न डाला जाए। इस्लाम के जो मुसल्लम अहकामात और शायर इस्लाम में से जो कुर्बानी का अमल है, उम्मत को रोकने की कोशिश न की जाए बल्कि इसके तरगीब दी जाए, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतीबू बिहा नफसा, दिल की खुशी के साथ तुम कुर्बानी करो। बाकी मसला रह गया गरीबों के काम आने का, मोहताजों को काम आने का, वो सारा साल बाकी है। जब चाहें जिस तरह चाहें इन्फाक फी सबीलिल्लाह के जरिए आप इन तमाम कामों के अंदर हिस्सा ले जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि कुर्बानी की रकम को लेकर वहां लगा दें और कुर्बानी छोड़ दें, ये इस्लाम के अहकामात के साथ घनौना मजाक है। अल्लाह हम सबको इस फितने से बचने और कुर्बानियों को सही करने की तौफीक अता फरमाए।